देखिए जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके डबल डेरिवेटिव को लेने के बाद एफ ऑफ एक्स का जब आप डबल डेरिवेटिव लेंगे तो देखें कि क्या वो सीडीएफ फंक्शन बन रहा है या नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, आप अपनी एग्जाम्पल खुद परफॉर्म करें और यहाँ से जो है वो सिर्फ वेरिफिकेशन करिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली आपको आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे जो है वो आंसर जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। या आपको ये वाला प्रॉब्लम मैंने यहाँ से जो है वो दूर कर दिया ताकि आपको आप आंसर्स की वेरिफिकेशन यहाँ बआसानी मिल जाए। तो कुछ प्रॉपर्टी मैंने वेरीफाई कर दी है सीडीएफ की, कुछ प्रॉपर्टी आपको दी है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 25 क्वेश्चन, आपने परफॉर्म करना है इसको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लोर करके करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बुक के अंदर कभी भी चीजें डायरेक्टली खोल के नहीं समझाई जाती, तो आपने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। अब हम आ जाते हैं नई चीज पे। अब मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी खुद कराई, कुछ आपको दी। अब देखिए एक नई प्रॉपर्टी थी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको कहा कि देखिए स्टूडेंट डिस्क्रीट के लिए बात अलहदा होगी, डिस्क्रीट के लिए आपको समीशन अप्लाई करना है, लेकिन मार्जिनल निकालने के लिए आपको यहाँ पे मार्जिनल निकालने के लिए कंटिन्यूस के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन ही आपके पास कंटिन्यूस के लिए जब भी हमें सम करना है वैल्यूज तो उसका मतलब है कि हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कहा कि अगर हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको कहा कि आपके पास दो रेंडम वेरिएबल है एक्स और वाई, दो रेंडम वेरिएबल है आपके पास एक्स और वाई, और अगर आपको कहा जाए कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालें विद रिस्पेक्ट टू एक्स या फिर कहा जाए कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कैसे निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। तो देखिए इन दोनों के लिए आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए, फॉर्मूला क्या है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स किसको कहते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स को कहते हैं। ठीक है, और एच ऑफ वाई किसको कहते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई को कहते हैं। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, अपर लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक के आपने इंटीग्रेट करना है, और विद रिस्पेक्ट टू क्या रखना है, डी वाई। जब एक्स कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स कैलकुलेट करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ वाई से इंटीग्रेशन करवानी है। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपने भी अडॉप्ट करना है। ठीक है, फिर जब आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई कैलकुलेट करेंगे तो उसकी लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक के और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपने मतलब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज नहीं निकालनी है बल्कि सिंगल प्रोबेबिलिटीज पे ही फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो ये डेंसिटी फंक्शन मतलब जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई, अगर आपको कहा जाए कि जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करें तो आपको जी ऑफ एक्स का मतलब है आपसे कहा जा रहा है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स है ये, और अगर जब आप एच ऑफ वाई डिफाइन किया जा रहा है तो इसका मतलब है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई है। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और वाई किस तरह निकालते हैं। अब यहाँ कहा गया है आपको द गिविंग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एक्स और वाई गिवेन है, इसका मतलब है कि ये ज्वाइन है, अगर एक्स होता तो इसका मतलब है ये सिंगल रैंडम वेरिएबल होता, क्योंकि यहाँ दोनों रैंडम वेरिएबल है इसका मतलब है ज्वाइन है, बात समझ आ गई। दो इंटरवल्स भी गिवेन है, ये बात भी समझ आ गई। फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई। अब इन्होंने कहा कि आप हमें जी ऑफ एक्स भी निकाल के दिखाइए और एच ऑफ वाई भी निकाल के दिखाइए। अगर डिस्क्रीट होता तो डायरेक्टली क्या करती, सम कर देती टेबल में, लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के लिए फिर मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यूस के लिए जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगी तो क्या करूंगी, इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे इंटीग्रेट करवाऊंगी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। देखिए अब विद रिस्पेक्ट टू डी वाई यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन आपके पास क्या गिवेन है, फोर एक्स वाई। अब फंक्शन फोर एक्स वाई डी वाई, अब आप क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, कॉन्स्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इसको तो सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट से ही उन्होंने कहा कि इंटीग्रेट करके दिखाई गया। ठीक है, तो अब आप 4 को और x को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ y से इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी, तो आपने इसको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया और बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से और सिंपल y पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया। y पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करा, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी तो आपके पास g ऑफ x का कैलकुलेट होकर आ गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का कैलकुलेट हो गया 2x, और इसकी लिमिट क्या आपने बता दी, 0 से लेके 1, क्योंकि x की लिमिट क्या थी, 0 से लेके 1। ये जो जी ऑफ एक्स आया है दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब आपको सिर्फ जी ऑफ एक्स ही नहीं बल्कि एच ऑफ एक्स, एच ऑफ वाई भी निकालने के लिए कहा गया था। तो एच ऑफ वाई निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे अपना फंक्शन लीजिए 4xy, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ पे आपने जब सब्स्टिट्यूट किया तो इसका मतलब है अब ये वाई और फोर क्या होगा, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो इसे बाहर निकालें, इसे बाहर निकालें और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें, एक्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करी, लोअर लिमिट अपर लिमिट डाली, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गया आंसर 2y। 2y का मतलब है कि अब आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू 2y, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है, इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट y की क्या गिवन है दिस। तो अब आपने क्या किया विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया, लेकिन इन केस के अगर आपसे कहा जाता है कि भाई x की कुछ वैल्यूज है इस पे हमें निकाल के दिखाएं, तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको वैल्यू बता दी गई है कि इस वैल्यू पे हमें मार्जिन निकाल के दिखाइए। अब यहाँ देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, जरा ये भी चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको मार्जिन भी दिखाती हूँ। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे आपसे कहा गया है निकालने के लिए, ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको कंटिन्यूस वेरिएबल्स के निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होगा ये है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे अगर आपको याद हो तो, हम यहाँ पे क्या लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो भी हमें यहाँ निकालनी होती थी, हम ये जो भी हमारी वैल्यू डिपेंडिंग करती थी हम वो यहाँ लिख दिया करते थे। इसके डिस्क्रीट फॉर्म की बात करी क्योंकि डिस्क्रीट की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना समझा चुकी हूँ लेक्चर नंबर 4 या 5, तो यही फार्मूला हम इस्तेमाल करते थे और ये जो जिससे डिपेंड होता था उसकी यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखते थे। अब यही सेम फार्मूला आपकी कंटिन्यूस के लिए भी इस्तेमाल होता है, सेम फार्मूला कंटिन्यूस के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे अब आपको जो फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन निकलेगी, जबकि डिस्क्रीट के अंदर जब हम ये फार्मूला लगा लेते तो हम जाके टेबल में वैल्यू देखते थे, जो वैल्यू होती थी वो यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर देते, उसे डिवाइड करते थे, आंसर आ जाता। लेकिन चूंकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल तो रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूस निकालने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो डिस्क्रीट थी जो मैंने आपको पहले समझाई थी, डायरेक्ट यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन अब जो निकाल रहे हो वो सेम फॉर्मूला तो है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है, इस कंटिन्यूस की अपनी पॉइंट डिफाइंड है, तो इस पॉइंट के लिए, इस कंटिन्यूस को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूले डिफाइंड होंगे। अब इन्होंने मिस क्या कहा बोलो, ये दफा ये जो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट वाली दिखा देंगी, दिखा हाँ दिखा सकती हूँ बिल्कुल, दे। एक मिनट रुको दिखाती हूँ मैं, 4 में था या 5 में था, एक मिनट रुको, हाँ आ गया, शेयर कर रही हूँ। देखो ये आ गए आप अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट वाली पे, ये हमारा कुछ लेक्चर 3 या 4 है, ये देखो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जो मैंने आपको कहा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है बी ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, बी अगर गिवन है और ए पे आपने फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, ठीक है, और फिर अगर आपके पास दूसरा, आपके पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी, आपके पास दो कंडीशन प्रोबेबिलिटीज हो सकती थी, एक विद रिस्पेक्ट टू बी हो सकती है, एक विद रिस्पेक्ट टू ए हो सकती है, दोनों के लिए आपके पास फॉर्मूले यहाँ पे मैंने गिवन कर दिए, ठीक है, कि एक अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या गिवन है कि बी गिवन है और ए इस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो डिपेंड करता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे रखते हैं और ऊपर क्या होती है, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी होती है। अगर ये फॉर्मूला मैं ए के लिए बनाती तो ए के लिए क्या करती, मैं यहाँ पे ए रखती और यहाँ पे बी रखती और बी से उसको डिवाइड करवा देती, तो होगा फॉर्मूला इसका यहाँ पे कहाँ डिपेंड किया, ये देखिए ये दोनों फॉर्मूले गिवन, कि अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहां पे, अब वहां पे मैं एक्स वाई की टर्म में बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ए बी की टर्म में बात कर रही हूँ, कोई इशू तो नहीं है, अगर मैं इसको भी एक्स वाई में कर दूँ तो कोई भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे ए है तो अगर मैं इसे एक्स कर दूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ तो इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
जो यहाँ पे डिपेंडेंट इवन होता है वो उसी से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ बी ऑफ ए की बात करी थी, तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट था और इसी के ही इस पॉइंट से हमने डिवाइड किया था। अब यहाँ देखो डायरेक्टली अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन थी 1/4, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, बी ऑफ पी पी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी थी 1/3, यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट करी, फॉर्मूला में डाला, आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट थी, डिस्क्रीट के अंदर फॉर्मूला डालना निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था, वो कंटिन्यूस है, वहां पे ये इंटीग्रेशन नहीं है। वहां पे क्या लग रहा है, वहां पे इस तरीके की इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, वहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं हो रही। ठीक है, इसी के ऊपर हमने जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा रिव्यू हो गया होगा। अब मैं वापस 8 पर आती हूँ। ये देख यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई है, वाई डिपेंडेंट है तो वाई से डिवाइड हो रहा है और ये ऊपर जो है वो पॉइंट आ गया। ठीक है, ये देखिए एक्स और वाई वहां पे ए और बी की फॉर्म में लिखी हुई थी, यहाँ एक्स और वाई की फॉर्म में लिखी हुई। तो यहाँ पे क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती, यहाँ पे आपने क्या करना होगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होगी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए ये देखें आपके पास ये गिवन है आपके पास, और कहा गया है कि फाइंड करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई और एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स। मतलब दोनों ही फॉर्म में आपको कहा कि क्या कहा जा रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करें। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ पी डी एफ ऑफ द गिवन एक्स एक्स गिवन बाय एक्स गिवन बाय पे आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन, जब आपके पास एक्स गिवन होता है और वाई आपने निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इन्होंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, पहला फॉर्मूला, फिर जब दूसरा कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें सबसे पहला आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय एच ऑफ वाई। तो सबसे पहले तो आप एच ऑफ वाई कैलकुलेट करें, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एच ऑफ वाई कैलकुलेट करना सिखाया है, एच ऑफ वाई इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। वहां पे आप डायरेक्टली निकाल के डाल लेते वैल्यू, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एच ऑफ वाई का फॉर्मूला ये है, जी ऑफ वाई का फॉर्मूला ये है। अभी आपको एच ऑफ वाई कैलकुलेट करना भी सिखाया है और जी ऑफ एक्स भी कैलकुलेट करना सिखाया है, तो सेम ऐसे ही काम यहाँ पे करें। तो सबसे पहले आप क्या करें, एच ऑफ वाई कैलकुलेट करें। एच ऑफ वाई कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, लोअर से अपर और इसका फंक्शन, फंक्शन क्या गिवन है, दिस वन, ये फंक्शन यहाँ सब्स्टिट्यूट कराओ, किसके करस्पॉन्डिंग से किया, डी ऑफ एक्स के करस्पॉन्डिंग से आपने इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करी। अब इस पूरे पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करें जैसे अभी मैंने आपको सिखाई थी पीछे वाली स्लाइड में। जब पीछे वाली स्लाइड के मुताबिक आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 3/2 - y। ये आपके पास क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ एच ऑफ वाई का फार्मूला आया। अभी आपने सिर्फ नीचे का एच ऑफ वाई कैलकुलेट किया है, अब आप ऊपर का निकालें, ऊपर का मतलब है सिंपल एफ ऑफ एक्स वाई। अभी आप सिंपल एफ ऑफ एक्स वाई को पहले इंटीग्रेट करेंगे। अब आप सिंपल एफ ऑफ एक्स वाई को इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, अब ये सिंपल यहाँ पे क्या है, सिंपल एफ ऑफ एक्स वाई, सिंपल एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या गिवन है, दिस वन। ठीक है, तो अब आपने सिंपल एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे इसका पूरा फंक्शन रख दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ऑफ वाई आपने कैलकुलेट करी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ऑफ वाई कैलकुलेट करने पे आंसर क्या आया, 3/2 - y। तो 3/2 - y आपने नीचे रख दिया। अब ये दोनों आ गई हैं, ये दोनों आपने क्या करा, अपने इस फॉर्मूले में कंडीशनल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी। जब कंडीशनल फॉर्मूले में रखा तो उन्होंने कहा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को आपने डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि फंक्शन गिवन था, और एच ऑफ वाई की इन्होंने प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए गई, तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इन दोनों को करने के बाद आप चाहें तो मजीद सॉल्व कर दें, सॉल्व करने के बाद जो है वो आपकी डिफाइन कर दें कि ये आ गए आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सिमिलरली कंडीशनल पीडीएफ मालूम करना है वाई गिवेन एक्स पर। अब एक तो फाइंड कर लिया आपने, एक्स और वाई वाला फॉर्मूला तो फाइंड कर लिया, अब आपने वाई और एक्स का भी फार्मूला फाइंड करना है। तो वाई और एक्स के फॉर्मूले के लिए आपके पास ये फॉर्मूला गिवेन है, ये आपके पास गिवेन है वाई और एक्स का। इसके लिए भी आपके पास फंक्शन तो गिवेन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन दे दिया है, लेकिन जी ऑफ एक्स गिवन नहीं किया। तो जी ऑफ एक्स गिवन करने के लिए वही फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसी तरह कैलकुलेट करें जैसे अभी यहाँ सिखाया है आपको, सेम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें और ऐसे ही कैलकुलेशन परफॉर्म करें। इसको देखें आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करें, जो कांस्टेंट वैल्यू उसे रहने दें, जो कांस्टेंट नहीं है उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 3/2 - x। 3/2 - x क्या आया आपके पास, ये आपके पास आ गया जी ऑफ एक्स, ये आपने क्या कर लिया, ये आ गया आपके पास जी ऑफ एक्स।
अब इसको फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दें। फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करने का मतलब है जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स रखते हैं और एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास फंक्शन में गिवन था, तो फंक्शन में गिवन था, फंक्शन आपके पास गिवन क्या है, टू माइनस एक्स वाई, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें जी ऑफ एक्स को, आपने जो कैलकुलेट किया है अभी ये फंक्शन ये यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। मजीद चाहते हैं सिंप्लीफिकेशन करना क्योंकि डिवाइड में है, तो आप इसे यहाँ मल्टीप्लाई करवा के मजीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, वरना यहाँ पे भी आप आंसर दे सकते हैं, ये डिवाइड में था इसलिए हमने इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास बन गया। आपने कहा कि ये आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स भी निकाल ली और एक्स गिवन एक्स एक्स गिवन वाई भी निकाल ली, ये आपने दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी है आपको सिखाई मैंने, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिया है मैंने ताकि आप भी मजीद इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप आपको जो है वो परेशानी का बाइस ना बने। तो यहाँ पे देखें, एक आपके पास कहा गया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने एक्स गिवन वाई की, मतलब वही जो भी मैंने आपको निकाल के सिखाई है कि पहले एक्स गिवन वाई का मतलब है पहले जी ऑफ एक्स वाई को कैलकुलेट करें फिर फंक्शन से डिवाइड करवा दीजिए। फिर जब फंक्शन से डिवाइड करवा देंगे तो इन्होंने कहा कि वाई इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कुछ कंडीशन डिफाइन कर दी, कंडीशन का मतलब है कि इन्होंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई, मतलब जहाँ पे भी वाई आ रहा है वहां पे आप वन डिफाइन कर दें, मतलब यहाँ पे जब आपने कैलकुलेट कर लिया इसकी आंसर लेकर आ गए, ये आ गया इसका आंसर। अब वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आपको वाई का मतलब वाई की वैल्यू दिख रही है वहां पे आप वन सब्सटीट्यूट कर दें, तो आप क्या करेंगे इस फंक्शन के अंदर आपको जहां जहां वाई दिख रहा है वहां पे उसकी वैल्यू रख देंगे बस। और अगर वो कहीं यहाँ अगर वो यहाँ पे लिखते हैं एक्स की जगह पे अगर वो वन लिख देते हैं तो जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहां वन सब्सटीट्यूट कर दें, और अगर वो कहते हैं कि वाई की जगह पे टू सब्सटीट्यूट कर दें तो जहाँ पे वाई दिख रहा है वहां पे टू सब्सटीट्यूट कर दें बस। जितना हो सके एज मच एज सिंप्लीफिकेशन करें, और नहीं हो सकता तो वहीं स्टॉप कर दें, यहाँ पे सेम यही काम किया है। अब तहम्मुल मिजाजी के साथ आपने इसके लिए आपने दोनों को, अगर आपको ना दिखे तो आप इसको जो है वो इस पूरे स्क्रीनशॉट को वर्ड पे ले जाइएगा, और वर्ड पे ले जाके इसको थोड़ा सा जूम करके चेक करिएगा, आपको हर स्टेप क्लियर होगा, ठीक है। वही सेम काम यहाँ पे भी मैंने आपको करके दिखाया, थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई है लेकिन आप जब खुद से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको हर स्टेप समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं पे ऐड कर दिए हैं। ये भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको गिवन किया है, इसे भी सॉल्व करें ताकि मजीद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो आपकी। अच्छा, अब नई चीज आ जाती है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दो दो सवाल मैंने आपको कहे थे पहले कि दो दो सवाल खुद करें निकाल कर, तो चूंकि निकालना मुश्किल हो रहा था, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था, पॉइंट नहीं बन पा रहे थे, आंसर नहीं मिल रहे थे, इसलिए फिर मैंने दो दो सवाल स्लाइड में ऐड कर दिए, ठीक है स्टूडेंट, ताकि थोड़ा आपको कन्वीनियंट रहे स्टेप से भी और थोड़े कन्वीनियंट रहे उसके आंसर से भी। तो ये दो दो सवाल फिर मैंने हर टॉपिक के बाद खुद डाल दिए हैं, इस तरह आपको जो है वो कन्वीनियंट हो जाएगा सॉल्व करना। अब यहाँ पे क्या है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब है कि अब आपको सी डी एफ की प्रोबेबिलिटीज के बारे में जो है वो कहा गया। अब सी डी एफ की प्रोबेबिलिटीज के बारे में जो कहा गया इसके लिए इन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला है सी डी एफ की प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए। अगर सी डी एफ आपके पास गिवन है और उसके अंदर अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो फिर ये फॉर्मूले अप्लाई किए जाएंगे। अगर इसके लिए आपने मालूम करना है तो फिर दिस फॉर्मूले को, ये एक आपके पास ये वाला जो फाइनल ये वाला जो आंसर है ना वन ओवर एफ आई, इसकी लोअर लिमिट से लेके एक्स तक के इंटीग्रेट करना है और फंक्शन ऑफ दिस वन, ये है आपके पास फाइनल फार्मूला किसका, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। मतलब ये कि अगर सी डी एफ गिविन है और सी डी एफ पे आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो ये एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, एक्स के लिए, ठीक है। जब आपके पास एक्स गिविन होगा और वाई फाइंड करना होगा तो वाई गिविन एक्स के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब वाई गिविन होगा और एक्स एक्स गिविन होगा और वाई मालूम करना होगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को आपने याद करना है, इन दोनों फॉर्मूले को मेमोराइज करना है, लेकिन कब के लिए, वो वाला जो फॉर्मूला भी आपको दिखाया वो पीडीएफ का था, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास क्या गिवन होंगे सीडीएफ, अगर सीडीएफ गिवन होंगे तो फिर आपने ये फॉर्मूले इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए दे दी जाए, कहा जाए कि पीडीएफ तो नहीं है, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या था पीडीएफ गिवन था, जैसे मैंने आपको यहाँ डिफाइन किया, ये देखें यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी किसने गिवन थी, स्मॉल एफ ऑफ एक्स में गिवन थी,
स्मॉल एफ ऑफ एक्स में ये पीडीएफ गिवन था, आपने आपको इंटीग्रेशन करके सारे ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल किए आपने और अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ पे जो आपके पास गिवन हो रहा है वो क्या गिवन किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि अब हम आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई हमें कैलकुलेट करके दिखाइए। अब हमें कैपिटल मालूम करना है, स्मॉल मालूम नहीं करना। और जब कैपिटल मालूम करना होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या करना होगा, डिस्क्रीट पे, मतलब कैपिटल मालूम करने का मतलब है कि हम पीडीएफ पे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ पे बात करने के लिए फिर हम कैपिटल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका कैपिटल फॉर्मूला फॉर एक्स गिवन वाई, ये है आपका कैपिटल फॉर्मूला फॉर वाई गिवन एक्स। तो वही सेम काम है लेकिन कैपिटल के लिए मौजूद हो गया, ठीक है। अब ये इसकी फॉलोइंग कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज यहीं पे वेरिफिकेशन करके दिखाई गई, इसी इसी सवाल के अंदर ही सारी प्रॉपर्टीज को भी वेरीफाई करवाया कि जब आप इसकी लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय एक्स करवाएंगे तो वो वन आना चाहिए, अपर लिमिट डिवाइडेड बाय एक्स होगा तो वो वन आएगा, लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एक्स होगा तो जीरो आएगा। ये देखें ये दोनों ही चीजें यहाँ पे, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव कर दी गई है। तो जरा इसे देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई। एग्जाम्पल, इन्होंने बता दी कि एक्स गिवन वाई का मतलब है ये, एक्स गिवन वाई, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि एक्स गिवन वाई का मतलब है ये फॉर्मूला, एक्स गिवन वाई फॉर द फॉलोइंग ज्वाइंट पीडीएफ फंक्शन। इस पीडीएफ फंक्शन का आपने मालूम करना है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब वेरीफाई करना है दैट वन, इन दोनों को वेरीफाई भी करना है, इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी वन और प्रॉपर्टी टू को वेरीफाई करने की भी बात कर रहा है। प्रॉपर्टी वन का मतलब है इसकी अपर लिमिट डिवाइडेड बाय वाई के बराबर आएगा वन के, लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय वाई करोगे तो आंसर आएगा जीरो। तो अब ये कह रहा है इन दोनों प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करके दिखाइए। फॉर्मूला आपके पास गिवेन, एक्स गिवेन वाई का फॉर्मूला ये है और वाई गिवेन एक्स का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो जरा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर्स आ रहे हैं। सिंस द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्स गिवन वाई के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, एक्स गिवन वाई के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले के जरिए आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस फॉर्मूले में ये क्या कहता है कि लोअर लिमिट से लेके एक्स तक पे इंटीग्रेट करें, ठीक है। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई रखें विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये जो तीन स्टेप्स हैं, ये तीन स्टेप्स बेसिकली ना आपको डिफाइन करने के लिए बताए गए हैं, मैं बता देती हूँ उसको भी। जैसे आपको आपको पता है जब भी हम सीडीएफ मालूम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जीरो से लेके एक्स तक इंटीग्रेट करवाना होता है, ठीक है। और आपको किसके लिए कहा गया है, एक्स गिवन वाई के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंडीशनल आ गया, कंडीशनल आ गया तो कंडीशनल का फॉर्मूला आपको पता है। कंडीशनल का फॉर्मूला पता है कि कंडीशनल में अगर आपके पास वाई डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई, ठीक है, फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अब यहाँ पे एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है, अब आप यहाँ चाहते हैं तो एच ऑफ वाई भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन चले ये पीडीएफ है और उसको सीडीएफ है और पीडीएफ से थोड़ा डिस्टिंग्विश करना है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे एफ ऑफ वाई लिख दिया, एच ऑफ वाई नहीं लिखा। अब इन्होंने क्या किया कि इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई किया, क्योंकि कंडीशनल था, कंडीशनल का आपको पता है कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आप उससे इसको डिवाइड करवाते, तो आपने उससे इसको डिवाइड करवा दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। फिर इसको मजीद उन्होंने सिंप्लीफाई किया ताकि इंटीग्रेशन तो परफॉर्म करें, तो मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए इन्होंने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमें किससे सिंप्लीफिकेशन करनी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है। तो एक्स के हिसाब से आपको पता है वाई क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो इसे बाहर निकाल दें वन ओवर वाई को, और इंटीग्रेशन आप एक्स और वाई यहाँ पे करें। तो अब यहाँ पे क्या बचा, सिंपल ये फंक्शन बचा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, और इसे इंटीग्रेट किस पे करना है, इसकी लोअर लिमिट से एक्स तक पे, और इसकी लोअर लिमिट क्या है, जीरो। तो जरा जीरो से लेके एक्स तक के इंटीग्रेट करना है, तो आपने ये कांस्टेंट वैल्यू था इसलिए आप अपने से बाहर निकाल दिया। एक मिनट इस पर नजर मेरी,
ओके स्टूडेंट्स, जान हो गई है। तो ये हमारे पास आ गया, इसी इसी कंडीशनर को जो ही हमने आगे तक के लेके आया, लेके आते आते हमने यहाँ तक के ले आया। ठीक है, अब हमें चूंकि इंटीग्रेशन भी तो पॉसिबल करनी है, तो हमने इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब जब इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई भी तो डालना है ना हमें। ऐसा तो नहीं है हम इसे कांस्टेंट वैल्यू समझ के जीरो कर देंगे, तो हमें एफ ऑफ वाई को भी कैलकुलेट करना होगा। तो एफ ऑफ वाई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि एफ ऑफ वाई भी एच ऑफ वाई के ही बराबर है, ये जो एफ ऑफ वाई, इन्होंने सिर्फ नोटेशन चेंज करने के लिए सीडीएफ में इन्होंने एफ ऑफ वाई डिफाइन कर दिया, लेकिन ये एफ ऑफ वाई भी क्या है, एच ऑफ वाई है। जैसे अभी आपने यहाँ पे एच ऑफ वाई कैलकुलेट किया था, ये देखें अभी आपने क्या किया था, जब आपने यहाँ पे भी फंक्शन निकाले थे तो इसके नीचे क्या था, एच ऑफ वाई था। तो आपने क्या करा था, सबसे पहले एच ऑफ वाई कैलकुलेट किया था, फिर फंक्शन कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे सीडीएफ के अंदर भी सबसे पहले आपको इस एच ऑफ वाई को कैलकुलेट करना होगा। तो एच ऑफ वाई को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या गिवेन है, एच ऑफ वाई का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास सामने गिवेन है, एच ऑफ वाई इक्वल्स टू लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। सीडीएफ के अंदर भी यही सेम काम करना पड़ेगा आपको। तो सीडीएफ के अंदर यही सेम काम करने के लिए आपने क्या करना होगा, ये रहा। तो सीडीएफ के लिए भी आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अपना एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ वाई का लोअर लिमिट से अपर लिमिट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एक्स। हमने यहाँ क्या किया, अपना वही एच ऑफ एक्स वाई वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, और इसको किससे इंटीग्रेट करवा दी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, 0 से लेके 1। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, एच ऑफ वाई पहले कैलकुलेट करेंगे। तो एफ ऑफ वाई बोलूँगी, एच ऑफ वाई बोलूँ, दोनों ही के बाद ही। अब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि सिर्फ एक्स पे इंटीग्रेशन होगी, और वाई जहाँ पे होगा वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो अब आप जहाँ देखें, जो भी वैल्यू है आप एक्स के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन अप्लाई करें, यहाँ पे एक्स पे इंटीग्रेशन होगी, यहाँ होगी और यहाँ। तो आपने एक्स की वैल्यू को इंटीग्रेट किया। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, आपने लोअर और अपर सब्स्टिट्यूट, और जहाँ वाई था वो एज अ कॉन्स्टेंट आ गया। तो ठीक है, अब आपने यहाँ पे वाई को एज अ कॉन्स्टेंट कर दिया। y को एज अ कॉन्स्टेंट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्या किया कि फिर फाइनली आपने y को कॉन्स्टेंट कर लिया। कॉन्स्टेंट करने के बाद फाइनली आपने जितना हद तक के सॉल्व हो सकता था सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आया, 2 डिवाइडेड बाय 5 और -3y/6। इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो कर दें, वरना इतना भी काफी है। तो यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ, सिंप्लीफाई करके इन्होंने कहा कि भाई ये आपका एफ ऑफ वाई आ गया, ये चीज क्या आ गई आपकी, एफ ऑफ वाई आ चुकी है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये एफ ऑफ वाई हमने कैलकुलेट कर दिया, हम 1 को डिवाइड कर देंगे एफ ऑफ वाई से। तो यहाँ देखिए, ये रहा 1 और ये रहा एफ ऑफ वाई। तो हमने एफ ऑफ वाई की जगह पे जो भी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करी थी वो हम जाके यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने अपने फॉर्मूले का ये पोर्शन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पोर्शन क्या कैलकुलेट करना है, दिस वन, इसे 0 से एक्स पे इंटीग्रेट कराना है। ठीक है, तो अब इस पोर्शन को इंटीग्रेट करने के लिए ये देखिए, 0 से एक्स और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, और एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन क्या गिवन है, दिस वन, ये गिवन है, ये आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, एक्स रखा। अब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करवा दें, इंटीग्रेट करवा दें, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू उसे बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है उसे बाहर निकाल दें और जो अप्लाई करें, जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 0 से लेके एक्स तक के लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपके पास आंसर आएगा। फिर देखिए, मजीद सिंप्लीफिकेशन भी मैंने आपको करके दिखाई हुई है। तो फाइनली ओवरऑल जब सारी की सारी सिंप्लीफिकेशन आप कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या बचेगा, ये आपके पास फाइनल वैल्यू बचेगी। तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया कि आपके क्वेश्चन में आपको कहा था कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई निकालें, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सीडीएफ का। तो सीडीएफ का जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, ये फॉर्मूला हमने पहले फाइंड किया, इसकी इस राइट हैंड साइड फाइंड की, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की, फिर राइट हैंड साइड फाइंड की, राइट हैंड साइड को 0 से एक्स पे इंटीग्रेट करवाया, उसकी 0 से एक्स पे इंटीग्रेशन पे हमने इसकी अपर लिमिट डाली, जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी, देखिए मैंने यहाँ सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ भी आपको, जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आप सिंप्लीफिकेशन करें, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या कर दें, आंसर लें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब सीडीएफ का आपने एक्स और वाई कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि आप डालें इसके अंदर 1, यहाँ पे एक्स आता है, एक्स की जगह इन्होंने क्या कहा कि आप 1 डालें और वाई को ऐसे रहने दें।
ठीक है, जब एक्स की जगह पे वन डालेंगे और वाई को ऐसे रहने देंगे तो ये प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होगा, वन होना चाहिए। करके देख लेते, ये आपके पास आंसर आया। अब जहां जहां पे एक्स की वैल्यू है वहां सब्सटीट्यूट कर दे वन, यहाँ पे वन सब्सटीट्यूट करें, यहाँ पे वन सब्सटीट्यूट करें और यहाँ पे वन सब्सटीट्यूट करें। ठीक है, जब आपने तीनों की जगह पे वन वन, एक्स की जगह पे वन, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे वन लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने एक्स की जगह पे वन सब्सटीट्यूट करना है, वाई की जगह पे नहीं करना। तो आपने एक्स की जगह पे वन सारे सब्सटीट्यूट कर दिए, सब्सटीट्यूट करे, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 4 - 3 ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, तो आंसर क्या आया, वन। इसका मतलब है हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हुई कि कंडीशनल के अंदर जब हम इसकी यहाँ पे जो भी लिमिट दी हुई है, इसकी यहाँ पे हम इसकी अपर लिमिट जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसकी अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करने पे आंसर हमेशा क्या आएगा, वन। तो अगर हमने करेक्ट पीडीएफ बनाया है, करेक्ट सीडीएफ बनाया है, उसकी करेक्ट ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है, तो इसकी अपर लिमिट पे आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो देखें इसकी अपर लिमिट क्या थी, वन, तो हमने इसकी अपर लिमिट पे वन डाला तो आंसर हमेशा क्या हो गया, वेरीफाई कर गया कि हमारा CDF जो हमने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाल लिया। दूसरी चीज उन्होंने प्रॉपर्टी में की थी कि इसकी लोअर लिमिट डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो जरा लोअर लिमिट डाल के चेक करते हैं, तो यहाँ देखें लोअर लिमिट क्या है एक्स की जगह पे, जीरो। एक्स की लोअर लिमिट क्या है, जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय वाई किसके बराबर आना चाहिए, जीरो। तो जरा यहाँ पे जीरो डालें, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह पे इन्होंने क्या कर दिया, जीरो ही डाल दिया। तो आपको पता है जब जीरो डालेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय दिस वन, जीरो। जीरो किसी भी वैल्यू से डिवाइड होता है आंसर हमेशा जीरो ही आता है। तो ये आपके पास क्या हुआ कि आपने अपनी प्रॉपर्टी नंबर वन और प्रॉपर्टी नंबर टू भी वेरीफाई कर ली। ठीक है, तो दो वेरीफाई करके भी आपको दिखा दी कि अब आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने किस तरह दिखाया है। एक बार मैंने आपको पीडीएफ का भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दी और एक बार मैंने आपका सीडीएफ की भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दी और साथ साथ दो प्रॉपर्टीज भी प्रूफ करके दिखा दी। अब एक आध प्रॉपर्टी आप प्रूफ करेंगे। चलें अब यहाँ पे देखें मीन एंड वेरिएंस, मीन और वेरिएंस किस तरह निकालते हैं। मीन और वेरिएंस बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं, सब कुछ आपको समझा दिया, बस फॉर्मूला आपको समझाना है। तो आज से कुछ टाइम पहले अभी जो मैंने आपके सामने लेक्चर 3 ओपन किया था उसके अंदर भी मैंने आपको मीन और वेरिएंस निकालना सिखाया था, लेकिन मीन और वेरिएंस मैंने आपको निकालना सिखाया था फंक्शन के फॉर्मूले के साथ। फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। आपको क्या कहा था, हर वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, फाइनली सम कर दें, क्या आ जाएगा इसका एक्सपेक्ट, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। जिसको मैंने आपको कहा था कि आप डिस्क्रीट में जब भी मीन निकालते हैं तो उसे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कभी मीन नहीं कहते। ये बात हमारी लास्ट लेक्चर में हो चुकी है। ठीक है, वहां तो हमने डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू को क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था और एंड में सम कर दिया था, आंसर आ गया था मीन का और वेरियंस का। वेरियंस के लिए मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर लगा दें। ठीक है, तो अगर मेरे पास खुली हुई है स्लाइड तो मैं वो भी शो करके दिखा देती हूँ आपको। इसमें साइड में नहीं है मीन वेरिएंस, मीन वेरिएंस मैं आपको दूसरी वाली साइड में दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी निकालनी सिखाई थी, ये रहा। देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालने का क्या था, सिंपल एफ ऑफ एक्स वन को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सबको सम कर दें। सम कर देंगे तो फाइनली आपके पास जो समीशन आएगा वो क्या होगा, आपकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होगी। और वेरियंस निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि वेरियंस निकालने के लिए वेरियंस कहाँ है, वेरियंस भी निकालना दिखाया तो था, ये रहा वेरियंस। वेरियंस निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये कि जब आपने यहाँ पे मीन निकाल लिया है तो इसी मीन का आप स्क्वायर कर दें और दूसरी तरफ एक्स का ऐड करें, आपके पास ये फॉर्मूले में डालें, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डिस्क्रीट था, डिस्क्रीट पे काम करना आसान होता है, कंटिन्यूस भी इंटीग्रेशन आ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा टफ बन जाता है। तो अब वापस आ जाते हैं, मैंने आपको रिकॉल करवा दी थी कि अगर मैंने आपसे कहा गया है कि अब आपको मीन और वेरियंस कैलकुलेट करना है, वहां पे तो मैंने आपको बताया कि सिंपल मल्टीप्लाई करवाया था आपने और आंसर लेकर आ गए थे, लेकिन यहाँ पे अगर मीन और वेरियंस निकालना है तो इसका मतलब ये है कि अब आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होगी सिंपल।
तो मीन और वेरिएंस निकालने के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपल क्या करना होगा, वही इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है जो अभी अभी आपको पीछे सिखाते हुए आ रही है। और यहाँ पे जो मीन वेरिएंस निकालना सिखाया है आपको, वो किस पे सिखाया है, दो रेंडम वेरिएबल्स पे सिखा दिया गया है कि अगर एक्स गिवन वाई होगा तो ये मीन का फॉर्मूला बनेगा, और अगर वाई गिवन एक्स होगा तो ये मीन का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, वही फॉर्मूला है स्टूडेंट जो भी अभी पीछे आपको सिखा कर आ रही है, बस यहाँ पे क्या है कि इसे एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे देखें वही सारे फॉर्मूला है, वही यही चीजें गिवन है, पहले आप एच ऑफ वाई कैलकुलेट करिए, फिर एच ऑफ वाई कैलकुलेट करके उसे डिवाइड करवा दे। ठीक है, फिर डिवाइड करवाने के बाद जब आपके पास फाइनली फार्मूला बन जाएगा, फिर आपने उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन में डालना है। चलें एक निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आसानी हो जाए आपको। देखें सबसे पहले अगर आपको कंडीशनल मीन निकालना है, मीन एंड वेरिएंस इन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फार्मूला क्या होगा, दिस वन, और ये अगर एक्स एक्स गिवेन वाई होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर वाई गिवेन एक्स होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशनल का वेरियंस का इन्होंने फार्मूले भी गिवेन कर दिए हैं आपको। चलें अब निकाल के देखते हैं, मीन निकाल के दिखाती हूँ आपको। इफ द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये आपके पास एक्स और वाई का रेंडम वेरिएबल गिवन कर दिया है, कंडीशनल मीन है, कंडीशनल वेरिएंस मालूम करना है, कंडीशनल मीन और कंडीशनल वेरिएंस मालूम करना है। तो कंडीशनल मीन और कंडीशनल वेरिएंस मालूम करने के फॉर्मूले तो हमें पहले ही पता चल चुके हैं। फाइंड आउट कंडीशनल डेंसिटी एक्स गिवन वाई। ठीक है, अब एक्स गिवन वाई इन्होंने यहाँ पे हमें दे दिया है कि एक्स गिवन वाई की हमें कंडीशनल मीन और वेरियंस मालूम करने। ठीक है, एक्स गिवन वाई का मतलब है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसका मालूम करने के लिए नहीं का, अगर वाई गिवन एक्स का कहते हैं तो फिर ये वाला फॉर्मूला उठाते। ठीक है, तो अभी एक्स गिवन वाई का इसलिए ये वाला फॉर्मूला पिक करें। जब ये वाला फॉर्मूला आप पिक करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले को पिक करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले इस फॉर्मूले को पिक करने के लिए एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। अब आपको पता है ये कंडीशनल लिखा हुआ है, कंडीशनल का मतलब है अगर यहाँ पे सिंपल कॉमा लगा हुआ होता तो क्या करती, मैं सिंपल एक्स से मल्टीप्लाई करवा देती फंक्शन को और जस्ट इंटीग्रेट करवाती लोअर लिमिट पे, मेरी कंडीशनल मीन निकल आता। लेकिन यहाँ पे इसने क्या लगा दिया है, कंडीशनल लगा दिया, इसका मतलब है पहले यहाँ पे कंडीशनल का फॉर्मूला डालो। तो कंडीशनल का फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशनल का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ वाई। तो पहले यहाँ पे क्या करो, कंडीशनल का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करवाओ। तो कंडीशनल फॉर्मूले के लिए ये तो हमारे पास गिवन है फंक्शन में, लेकिन ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये गिवन है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले एच ऑफ फाइव को निकालने के लिए लोअर से अपर पे इंटीग्रेट कराते हैं और फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन लिखने के बाद उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कराते हैं। तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करवाइए, लोअर से अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें।